धतूरे का बहुत अच्छा क्रम है महाराज। वो केवल शिवरात्रि के दिन करने का होता है। कहते हैं जिसका व्यापार ना चले, व्यवसाय ना चल रहा हो, बहुत ज्यादा कष्ट में जीवन निकल रहा हो और बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही हो, तो धतूरे को हल्दी में डुबोकर शंकर भगवान को शिवरात्रि के दिन रात को 12 बजे समर्पित करें। उस धतूरे को वापस उठा लाएं 5-10 मिनट के बाद, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर लाल कपड़े में उसको बांधकर व्यापार वाली जगह में कहीं पर भी उसको बांध दिया जाए। व्यापार पीछे नहीं हटता, व्यापार अग्रण्य भाव में बढ़ता चले जाता है महाराज। उस धतूरे को केवल परंतु शिवरात्रि के दिन रात को 12 बजे ही किया जाए, हल्दी में डुबोना पड़ता है। यही प्रमाण एक क्रम में और है महाराज जी। लिंग पुराण कहती है, मान लो किसी व्यक्ति को कोई एक भारी बीमारी हो गई, बड़ा रोग हो गया, और वो रोग डॉक्टर कह रहा है कि ये ठीक नहीं होना है, बहुत तकलीफ उसमें है और कष्ट ही कष्ट है, वो ठीक नहीं हो रहा, दवाइयां लग रही, गोलियां खा रहे हैं। तो महाराज उसका भी वर्णन है, 7 धतूरे। कितने धतूरे लेना है? 7 धतूरे। कोई सी भी शिवरात्रि से मतलब महीने में एक बार शिवरात्रि आती है, प्रत्येक महीने आती है, किसी भी शिवरात्रि के दिन 7 धतूरे लेकर एक धतूरे में मौली लच्छा नाड़ा लपेट कर चंद्रमौली भगवान का स्मरण कर उस मौली को लपेट कर 6 धतूरे में हल्दी लगाकर शंकर भगवान की जो जलाधारी है, जलाधारी में आपको पहले भी वर्णन किया है, शंकर भगवान का ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये भगवान का जल निकलने का स्रोत, चरणारविंद का भाव, शिवलिंग जहाँ रखा हुआ है ये पार्वती जी का हस्त कमल, जो ये गोल भाग है ये पार्वती का हस्त कमल, जहाँ शिवलिंग रखा है, जहाँ से जल नीचे गिरता है उसके सीधे भाग में श्री गणेश जी महाराज का स्थान है, उसके उल्टे भाग में श्री कार्तिकेय जी का स्थान है। जलाधारी के सामने एक मोटी सी लाइन होती है, कहीं सांप बना होता है, कहीं स्थान बना होता है, जो मोटी सी लाइन है ये शंकर भगवान की सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी का स्थान है। जलाधारी के ऊपर जो 3 टेकी लगी है ये भृगु ऋषि का भृंगी गण का स्थान है। इसके ऊपर जो कलश है, कलश में जो पानी भरा जाता है, वो पानी जो बूंद बूंद नीचे गिरता है, ये शंकर भगवान की 5 लड़कियों का स्थान है, जया भिषहरा सामरीबारी धोतली और देव, ये 5 लड़कियों का स्थान है। शंकर भगवान का संपूर्ण परिवार शिवलिंग के सामने से जहां से जल चालू होता है गिरने के लिए नीचे की ओर जब जल जाता है, उस स्थान पर भगवान शंकर के सारे गणों का स्थान है। फिर जब जल बहकर सामने की ओर जाता है, जितनी दूर तक जल जाता है उतनी दूर तक भगवान शंकर के उस जल भाग को ग्रहण करने के लिए 33 कोटि देवताओं का स्थान है। इसलिए उस जल को हम लांगते नहीं है, क्योंकि वहां 33 कोटि देवता विराजमान रहते हैं महाराज। तो जो बीमारी डॉक्टर ने बता दी और बहुत बड़ा रोग हो गया और शरीर में कष्ट है, ठीक नहीं हो रहा, चाहे लीवर से जुड़ा हो, चाहे किडनी से जुड़ा हो, चाहे कैंसर से जुड़ा हो, और मान लो शरीर में कहीं गांठ भी हो गई है और वो मिटी नहीं रही हो, तो महाराज निवेदन है 7 धतूरे, 1 धतूरे पर मौली लपेट कर वो शंकर जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना। 6 धतूरे, उसमें से 1 धतूरा भगवान श्री गणेश जी का स्थान, दूसरा धतूरा श्री कार्तिकेय जी का स्थान, तीसरा धतूरा अशोक सुंदरी का स्थान महाराज। शंकर भगवान की जगदम्बा जी के हस्त कमल के ऊपर 1 धतूरा, 5 1 धतूरा जहां से जल नीचे की ओर बहकर जा रहा हो, पानी जिस जगह से नीचे गिर रहा हो बिल्कुल वहीं पर 1 धतूरा चढ़ा देना है। उस धतूरे को चढ़ाने के बाद वो धतूरा वापस लेकर आना है। अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर या चंपेश्वर महादेव का नाम लेकर उस धतूरे को जो बीमार व्यक्ति है उसका स्पर्श कराकर बेलपत्री के पेड़ के नीचे पटकवा देना है महाराज। धीरे धीरे रोग में आराम मिलना प्रारंभ हो जाता है, औषधियां धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं और व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। ये केवल शिवरात्रि के दिन ही होता, 12 महीने शिवरात्रि आती है, आप किसी भी शिवरात्रि को कर सकते हो।
प्लीज़ इसको लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।